हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम टू सोनल्स फूड वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे मीठी चटनी। चलिए देखते हैं कैसे बनाना। 3 कप गुड़ लेना है और उसके लिए 1 कप इमली, जिसे हम पानी में धो लेंगे। अच्छे से धो के फिर इस इमली को हम उस गुड़ के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर 1.5 कप पानी मिलाकर इसे अच्छे से बॉईल करेंगे, जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए। और स्टार्टिंग में 1-2 मिनट के लिए हमें हिलाते रहना है। और ये गुड़ पिघल गया है अच्छे से, और अब गैस को बंद कर लूँगी। ठंडा होते ही हमें इसे मिक्सी के जार में ले लेना है। और अब मैं मिक्सी के जार में ले रही हूँ और इसे पीस लूँगी। एकदम फाइन पेस्ट पीस लेना है और इसे उसी कढ़ाई में छन्नी रख के छान लूँगी और फिर से बॉईल करूँगी। 3 से 4 बॉईल आए तक तब तक हमें पकाना है अच्छे से। और ये देखिए, अच्छे से पक गया है। 3 से 4 बॉयल आ गए हैं और अब इसे मैं बंद कर लूँगी। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे तक इसे छोड़ देंगे इसकी थिकनेस के लिए, और फिर इसे कोई डब्बे में पैक करके रख देंगे। 2 घंटे के बाद इसका थिकनेस देखिए, एकदम परफेक्ट है। इसे 2 से 3 महीने तक हम यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के।